तो फ्रेंड्स, ये है वीवो S1 प्रो का बॉक्स और आज हम लोग करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और देखेंगे बॉक्स कंटेंट और देखेंगे साथ में कि इस फ़ोन का जो बिल्ड क्वालिटी है, डिज़ाइन है, वो कैसा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलता है 8 GB का रैम और 128 GB का स्टोरेज और इसका जो प्राइस रखा गया है वो है 19,990 रुपये। ये फ़ोन आपको बहुत ही आसानी से आपके नज़दीकी रिटेल स्टोर पर भी मिल जाएगा और आपके फ्लिपकार्ट के ऊपर भी इसको लिस्ट करा गया है। तो बस हमेशा की तरह वीडियो पे आप नए हैं तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है वीवो का बॉक्स, वीवो S1 प्रो और इसमें आपको आता है 8 GB का रैम और 128 GB का स्टोरेज और इसके बैक साइड पे देखेंगे तो इन्होंने की हाईलाइट्स यहाँ पे मेंशन करा है, जैसे कि यहाँ पे आपको मिलता है 48 MP का क्वाड AI रियर कैमरा और 32 MP का आपको यहाँ पे सेल्फी कैमरा मिल जाता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलेगा और आपको 18 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो चलिए मैं फटाफट इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ और मैं आप सभी को दिखाता हूँ इसका बॉक्स कंटेंट कि देखने में कैसा है। तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ कुछ एक्सेसरीज देखने को मिल जाएगा, तो फिलहाल इसे साइड में रख लेंगे। तो यहाँ पे बस हमेशा की तरह आपको एक सिलिकन केस देखने के लिए मिलता है और एक इसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन किए गए हैं और यहाँ पे सिम लगाने का आपको टूल मिल जाता है और साथ में वारंटी कार्ड भी यहाँ पे मिल जाता है, तो फिलहाल इसको भी हम लोग साइड में रख लेंगे। और इन्होंने यहाँ पे दिया है एक डेटा केबल जो कि आपको टाइप सी मिल जाता है, तो चलिए फिलहाल इसे भी साइड में रख लेंगे और देखते हैं कि साथ में हम लोगों को और क्या देखने के लिए मिल जाता है। तो ये है वीवो S1 प्रो और फिलहाल इसे हम लोग साइड में रखेंगे और इसके बाद हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है वीवो का एक ब्रांडेड ईयरफोन और ये काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के साथ है, तो चलिए फिलहाल इसे भी हम लोगों को साइड में रखना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको मिल जाता है 2 एम्पियर 5 वोल्ट और 9 एम्पियर 5 वोल्ट का आउटपुट के साथ डुअल इंजन 18 वाट फास्ट चार्जर, तो चलिए फिलहाल इसे भी हम लोग साइड रख लेंगे और देखते हैं अब वीवो S1 प्रो को ये फ़ोन देखने में कैसा है। तो ये है वीवो S1 प्रो और फिलहाल हम लोग इसको बाहर निकाल लेंगे और देखेंगे इसका डिज़ाइन। तो इसका जो आप कलर देख रहे हैं ये आपको जैजी ब्लू कलर में देखने के लिए मिलता है और ये काफ़ी अट्रैक्टिव कलर है। और इसका जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं साइड से थोड़ा यहाँ पे एज किया गया है ताकि आपको पकड़ने में काफ़ी बढ़िया ग्रिप मिले और साथ में ही यहाँ पे आपको ग्लोसी फिनिश टाइप का फील देता है जिससे कि फ़ोन काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। मैं पहले ही बता दूं कि इस फ़ोन का जो वेट है काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पे आपको लाइट वेट है और ये जो है आपको AI क्वाड कैमरा का यहाँ पे सेटअप दिया गया है और इन्होंने यहाँ पे दे रखा है AI क्वाड कैमरा और नीचे में LED फ्लैश लाइट और ठीक बीच में आपको यहाँ पे मिलता है वीवो का ब्रांडिंग और इनका जो स्लोगन है कैमरा एंड म्यूजिक। तो फिलहाल ये जो फ़ोन है लुक वाइज डिज़ाइन वाइज काफ़ी बढ़िया है। तो एक बार हम लोग इसके बॉटम साइड पे नज़र डालेंगे तो इन्होंने यहाँ पे आउटपुट स्पीकर दे रखा है और साथ में यहाँ पे टाइप सी आपको चार्जिंग पोर्ट डुअल इंजन सपोर्ट के साथ मिल जाता है और यहाँ पे आपको नॉइस कैंसिलेशन माइक देखने के लिए मिल जाता है। अगर हम लोग टॉप साइड पे एक नज़र डालते हैं यहाँ पे हम लोगों को 3.5 mm का जैक और सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक देखने के लिए मिल जाता है, ये काफ़ी बढ़िया है क्योंकि इसे ऊपर दिया गया है। राइट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को एक अलग कलर में देखने के लिए मिल जाता है पावर की और साथ में आपको वॉल्यूम की भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। और आप इसके लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है एक सिम ट्रे जो कि ये हाइब्रिड। तो फाइनली जो ये फ़ोन है ऑन हो चुका है। तो सबसे पहले इसके फ्रंट साइड की बात करें तो यहाँ पे हम लोगों को मिल जाता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट और ये डायमंड शेप में यहाँ पे कुछ डिज़ाइन आता है, तो एक और मैं फिर आपको ट्राई करके दिखाता हूँ। ये काफ़ी फास्ट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काफ़ी फास्ट है क्योंकि इसमें जो है आपको फिजिकल फिंगरप्रिंट कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिलता है, तो इसलिए इन्होंने आगे में दे रखा है और ये जो फिंगरप्रिंट है ये काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका जो डिस्प्ले है ये आपको मिल जाता है 6.3 इंच के साथ फुल HD+ का डिस्प्ले और साथ में आपको यहाँ पे जो वीडियो व्यूइंग का एक्सपीरियंस मिलेगा ये आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाएगा क्योंकि इस डिस्प्ले में मिलता है आपको सुपर AMOLED का डिस्प्ले, तो डिस्प्ले वाइज ये काफ़ी बढ़िया है। और इसके बेजल की बात करें तो ये जो बेजल इसका काफ़ी कम किया गया है और यहाँ पे आपको मिलता है बॉडी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 90%,
तो फिलहाल ओवरऑल अगर प्राइस रेंज के हिसाब से देखा जाए तो इसका जो डिस्प्ले है ये काफ़ी बढ़िया है, और यहाँ पे आपका डिज़ाइन भी इसका जो है ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी प्रीमियम देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके फ़ोन के कैमरे की। तो यहाँ पे आपको मिलता है क्वाड कैमरा का सेटअप, और ये जो है डायमंड डिज़ाइन में सेटअप किया गया है। तो यहाँ पे जो मेन कैमरा है वो आप तक को आपको आता है 48 मेगापिक्सल के साथ f/1.8 अपर्चर के, और वाइड एंगल कैमरा जो है ये है 8 मेगापिक्सल का, और आपको यहाँ पे डिप्थ विजन सेंसर जो है 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है, और आपको माइक्रो लेंस भी यहाँ पे टेलीफोटो लेंस जो है 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है। इसका जो फ्रंट सेल्फी की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 32 मेगापिक्सल का AI सेल्फी कैमरा, और इसमें काफ़ी फीचर्स भी दिए गए हैं। मैं आपको आपको इसी वीडियो में एक दो पिक्चर जो है शेयर करूँगा, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एक दो पिक्चर है, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये बैक साइड से लिया गया है, और ये दूसरा जो पिक्चर देख रहे हैं ये बाहर का है, जो कि ये नाइट मोड में लेकर इसको लिया गया है, और ये भी पिक्चर जो है ये नाइट मोड में ही इसको क्लिक किया गया है, और ये जो पिक्चर है ये सेल्फी से लिया गया है, और ये भी पिक्चर जो आप देख रहे हैं ये सेल्फी से लिया गया है। तो यहाँ पर डिटेलिंग काफ़ी बढ़िया है, और आप देख सकते हैं दोनों पिक्चर में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर डिटेलिंग जो है ये काफ़ी बढ़िया आ रहा है। तो चलिए एक बार हम लोग इस फ़ोन के अबाउट को चेक कर लें और देख लें। तो यहाँ पे माई डिवाइस में हम लोगों को मिल जाता है फन टच ओएस जो है 9.2 दिया गया है, और यहाँ पे आपको एंड्रॉयड वर्जन 9 के साथ ये काम करता है। तो लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे मिल जाता है, प्रोसेसर आपको मिलता है 2.0 GHz का, 665 स्नैपड्रैगन ऑक्टा कोर, और 8 GB का रैम और 128 GB का स्टोरेज भी यहाँ पे मिल जाता है। तो ओवरऑल जो स्पेसिफिकेशन है काफ़ी बढ़िया यहाँ पे आपको मिल जाता है, प्रोसेसर भी काफ़ी बढ़िया मिलता है, और इसका जो डिज़ाइन है ये भी ओवरऑल आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाता है प्राइस रेंज में। तो मैं होप करता हूँ कि आप सभी को जो ये वीडियो है काफ़ी पसंद आया हो, तो बस वीडियो को एक लाइक दीजिए, और आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं इसी तरीके के नए नए वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मैं फिर मिलूँगा नए वीडियो में नए अनबॉक्सिंग गैजेट के साथ।